हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ रेडीमेड जो बूंदी आती है रायते वाली, आज हम उसके मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। मैंने पिछली बार चने के दाल के लड्डू बनाए थे, उसमें मुझे बहुत लाइक मिले, आपने बहुत सपोर्ट किया। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रेडीमेड वाली बूंदी से लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चाशनी रेडी करेंगे। तो ये मैंने 1 कप चीनी लिया है, आप देख पा रहे होंगे 1 कप चीनी में हम इसका आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे। आप मेजरमेंट का ध्यान रखना है, अगर मेजरमेंट के हिसाब से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे आपके, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये देखिए, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक चीनी मेल्ट ना हो तब तक हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको फुल फ्लेम में चाशनी बनाएंगे और इसको हम 3-4 मिनट के लिए ही बॉईल करेंगे। ज़्यादा 1 तार की 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए हन्नी जैसा, कि 1 तार के बनते बनते चाशनी रह जाए। उतनी हमें 1 तार से बहुत थोड़ी सी कम चाशनी चाहिए। तो अभी तक ये रेडी नहीं हुई, अभी हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। अभी हम इसमें मैं डाल देती हूँ इलायची पाउडर। आप इसमें केसर भी डाल सकते हो, वो आप पे निर्भर है, लेकिन इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है मोतीचूर के लड्डू में। तो आप जहाँ तक हो सके इलायची पाउडर ही डालना। और ये मैंने कलर फूड कलर लिया है ऑरेंज का, मोतीचूर के लड्डू ऑरेंज के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप येलो भी ले सकते हो, अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हो इसमें, उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए अभी नहीं बनी है, इसको थोड़ा और बॉईल कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमें 4 मिनट या 3 मिनट से हमारी चाशनी बनके रेडी हो जाती है। तो ये देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, अभी शायद ये रेडी हो चुके हैं। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, ये देखिए ड्रॉप में गिर रही है। अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखना, चाशनी हमारी बनके रेडी हो गई है। अभी थोड़ा सा इसमें 1-2 ड्रॉप हमने नींबू की डाल दी है, जिससे क्या होता है कि चाशनी बिल्कुल ही जमेगी नहीं और आप आसानी से लड्डू बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि चाशनी गाढ़ी हो जाती है, 1 तार की हो जाती है, तो ये जमने का डर रहता है, वाइट वाइट होने का डर रहता है, तो चाशनी इससे बिल्कुल नहीं जमेगी नींबू से। तो आप नींबू ज़रूर डालना। तो चाशनी हमारी बन के रेडी हो गई है, हमें 1 तार 2 तार की बिल्कुल नहीं बनाने। आपको ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। इसको हम रख देते हैं चाशनी को। अभी ये मैंने 4 कप बूंदी के लिए हैं, जो हम रायता बनाते हैं वो बूंदी है ये इसके मैंने 4 कप लिया है। इसकी 1 कप हमने चीनी से चाशनी बनाई है और ये 4 कप हमने बूंदी का लिया है, तो इसका मेजरमेंट ध्यान रखना। और इसको हम जैसे हम पोहा बनाते हैं उसको हम अच्छे से धो लेते हैं, वैसे हमें इसको अच्छे से साफ पानी से धो लेना है, जिससे क्या होता है कि ये थोड़ा नमकीन होता है, वो नमक सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए हमें धो लिया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। इसमें हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, तो जैसे हम बूंदी बनाते हैं वैसे ये सेम रेडी हो जाएगी, तो वही टेस्ट आएगा। अगर आप कच्ची डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो, जैसे ही हमने धो के उसमें चाशनी में हमें भिगो देना है, लेकिन मैं ये कच्ची नहीं डाल रही, थोड़ा इसमें घी में फ्राई कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप भी ऐसी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है।
और आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। तो जैसे ही हम ये देखिए जस्ट हमें चाशनी में डाल देना है, क्योंकि ये चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है लेकिन बूंदी हमारी थोड़ी गर्म है, तो हम जस्ट इसमें डाल देना है चाशनी में। तो ये बहुत ही आसान है मोतीचूर के लड्डू बनाना, और सेम वैसे ही जैसे आप बेसन के झर्रे से मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैं आपको फोड़ के देखिए एकदम ही क्रंची हो गई है, जैसे हमने बूंदी निकाली है बेसन का घोल से वैसे ही रेडी हुई है ये। तो फिर से ऐसे हम सारी बूंदी को फ्राई कर लेंगे। पहले इसको मैं मिक्स कर देती हूँ चाशनी में, अभी हम दूसरा बैच रेडी कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हमें बूंदी जस्ट डाल देना है और थोड़ा सा मिक्स करके 2 मिनट के करीब हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। बस बिल्कुल झंझट नहीं है और बहुत ही आसान है ये रेसिपी, और टेस्ट तो आप पूछो ही मत, एकदम ही बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए फिर सारी बूंदी को हमने घी में से निकाल लिया है और इसको हम चाशनी में डाल दिया है, अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको आप आधे घंटा चाशनी में भिगो के रख सकते हो, आधे घंटे के बाद आप देखोगे तो चाशनी ये बूंदी चाशनी को पूरा अब्सॉर्ब कर लेगी एकदम अंदर, और एकदम ही सूखी सूखी बन जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में आधे घंटे के बाद में। अभी हम इसको चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हम ढक के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनने वाले हैं और इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं किया है। तो ये देखिए इसको आधे घंटे के करीब हम ढक के छोड़ देंगे, जिससे क्या होता है कि पूरी बूंदी चाशनी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी। तो ये देख पा रहे होंगे एकदम ही सूखी सूखी हो गई है, ये देखिए चाशनी को पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है बूंदी ने अपने अंदर, ये देखिए। तो आप ये बूंदी भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपको बूंदी खाना पसंद है तो आप इस टाइम ये खा सकते हो। बहुत ही देखिए रसीली बूंदी बनी है, आप देख पा रहे होंगे, मैं फोड़ के दिखाई हूँ मैं आपको। अभी हम इसको क्या करना है, मिक्सी के जार में हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें रुक रुक के थोड़ा ग्राइंड करना है, एक साथ मिक्सी नहीं चलाना है। तो अभी बंद करके मैं ग्राइंड करके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा दरदरा सा हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए ये इस टाइप का हमारा पेस्ट बन जाएगा। तो मिक्सी को हमें रुक रुक के चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। तो इसको मैं थाली में निकाल लेती हूँ और ऐसे ही मैं दूसरा रेडी कर लिया, ये देखिए मैं पूरा दिखाऊंगी तो टाइम लगेगा। दूसरा बेंच भी मैंने इसी तरह ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं बर्तन में, ये देखिए। तो मैंने सारी बूंदी को ग्राइंड कर लिया है, आप देख पा रहे हो इस तरह की बूंदी बन गई है। अभी हम इसमें 2 चम्मच में घी का ऐड कर दूँगी, जिससे क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट चिकने से हमारे लड्डू बनेंगे। और ये मैंने काजू कट कर लिए हैं, पिस्ता बादाम, और ये मैंने बादाम लिए हैं। इसकी जगह आप खरबूजा के बीज भी ऐड कर सकते हो, उसको मंगज बोलते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ये ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह का ये पेस्ट हो गया है हमारा, ये पूरा अच्छा सा मिक्सर बन गया है। अभी मैं लड्डू बना के दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह हमें लड्डू बना लेना है, ये देखिए बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। ऐसे हमें थोड़ा दबा देना है। तो देखिए हमने बिल्कुल अलग से कुछ घी नहीं डाला है, 2 चम्मच डाला है घी में फ्राई किया, तो कितने अच्छे से लड्डू बने, ये देखिए। और खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मैंने दाल के लड्डू बनाए थे उसमें आपने बहुत सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ इसको भी आप सपोर्ट करना। ये भी मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी फिर से लेके आई हूँ। तो ये देखिए इस तरह हमें लड्डू बना लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये देखिए इस तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी, अगर वो सारे लड्डू बना के दिखाऊँगी तो टाइम लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी लड्डू हमने बना लिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ एक लड्डू, ये देखिए
एकदम मोतीचूर के लड्डू बने हैं। आप आसानी से रायते वाली बूंदी से मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं। इसमें आपको झर्रे का, बेसन के घोल का बिल्कुल झंझट नहीं रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोतीचूर के लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आप जैसे मैंने मेजरमेंट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपने अगर मेरा वीडियो देखा है आप बनाओगे तो सच में आपके मोतीचूर के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।